क्लास फोर का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे पाठ जो है 19 है, जिसका नाम है पेड़ पौधे। बच्चों आप देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है ये पेड़ है और ये पौधा, जैसे कि आपने यहाँ देखा ये पेड़ और ये पौधा। ये पेड़ और पौधों की विशेषता क्या है हम जानेंगे एक लेसन के माध्यम से। इस लेसन में एक नाना जी थे जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनको नई नई जानकारियाँ देते थे। तो एक बार हम सभी बच्चों ने जिद किया कि नाना जी मुझे एक कहानी सुननी है। तो नाना जी ने कहा ठीक है आपको कहानी सुननी है, कैसी कहानी सुननी है। तो नाना जी से बच्चों ने अपनी जिद को पूरी करने की कोशिश की। नाना जी से कहा किसी ने मुझे हिंदी में कहानी सुनना है, किसी ने कहा मुझे साइंस में कहानी सुनना है। सभी अपने अपने विषय को लेके आगे पेश हुए। तो फिर नाना जी ने कहा मैं सबका समाधान एक साथ कर देता हूँ। नाना जी ने सभी विषय को मिला के एक अपना टॉपिक चुना और उन्होंने कहा कि मैं आज पेड़ पौधों की कहानी सुनाता हूँ। सभी बच्चे ने कहा नाना जी पेड़ पौधों की क्या कहानी होती है। नाना जी ने कहा कि यही तो असली कुदरत का खजाना है, ये प्राकृतिक जो है इस पेड़ पौधों से ही जीवित है और निर्मित है और आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से बैठ गए और नाना जी की बातों को सुनने के लिए। तो नाना जी ने कहा कि देखो बच्चों जो हम सब्जियाँ खाते हैं या जो फल खाते हैं वो किसे खाते हैं, किसकी वजह से खाते हैं, पेड़ पौधों की वजह से ही हम खाते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम कोई भी फल नहीं खा सकते या कोई भी सब्जी नहीं खा सकते और उस सब्जी को उगाने के लिए, उस सब्जी को लाने के लिए पेड़ पौधे का बहुत महत्व है। अगर वो नहीं तो हमें कुछ पर्याप्त नहीं होगा। तो देखिए बच्चों आप एक पेड़ को देख लीजिए, एक पेड़ है जो आप देख रहे हैं ये हमेशा दूसरों को देता है। पेड़ तो हमें ऑक्सीजन देता ही देता है, साथ में हमें हर चीज़ देता है। जब तक वो जीवित है, जब तक वो हरा भरा है तब तक हमें वो ऑक्सीजन भी देता है, हमें फल भी देता है, फूल भी देता है। लेकिन बच्चों इसकी विशेषता ये है अगर ये ख़त्म भी हो जाता है, यानी इसको अगर हम यहाँ से काट भी देते हैं तो भी इसका हमें बहुत यूज़ होता है। जैसे कि हम जिस मेज पर बैठते हैं, जिस टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं या जिस बेड पे हम सोते हैं या हर एक चीज़ से, उस निर्जीव यानी जिसमें जान ही नहीं है वो लकड़ी मरने के बाद भी हमें काम आती है। अब हर चीज़ हम उसका यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए इस लकड़ी की वजह से हम सभी चीज़ बना लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद भी हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे ठंड होता है तो हम उसमें जला भी देते हैं उस लकड़ी को और हमारी ठंड जो है दूर हो जाती है। एक पेड़ से हमें सीखना चाहिए बच्चों कि वो अंत तक उसकी सांसें नहीं है फिर भी वो किसी के काम आया। इतना महान तो कोई नहीं हो सकता, मनुष्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जो है पेड़ को क्या देता है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं देता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पेड़ को मनुष्य केवल मनुष्य देता है, लेकिन पेड़ हमें बहुत कुछ देता है फिर भी हम क्या करते हैं उसको काट देते हैं। और काटने के बाद अपनी प्रकृति को ख़राब तो करते ही करते हैं लेकिन इसकी संख्या भी हम घटा देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने एक पेड़ काटा, अगर हमें बहुत ही आवश्यकता है तो काटने में बुराई नहीं है लेकिन उसकी जगह लगाना ये बुराई है। हम भूल जाते हैं पेड़ काटते तो हैं पर उसके जगह पे हमें एक पेड़ काटा तो हमें दो पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा हम नहीं करते हैं और ना ही हम किसी को करने की कोशिश या सलाह देते हैं। तो इस तरह से बच्चों एक पेड़ की महत्व को आप जानें कि हर एक कदम पे हर जगह वो हमेशा छाया ही देता है, सबको अच्छा ही करता है। उसी तरह हम मनुष्य को भी होना चाहिए। आप देखिए जो कि ये पौधे देख रहे हैं ये फूल है जो हमें खुशबू प्रदान करती है और सबका मन मोह लेती है। ये जिस प्रकार फूल है इसी तरह हम पौधों में धान है, फलों की सब्जी है, जैसे आलू है वो भी ज़मीन में ही होता है उसको हम उगाते हैं। फल कुछ जो है पेड़ में होते हैं, कुछ पौधों में होते हैं और पौधों के साथ साथ कुछ ज़मीन में भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हम इसी को आहार में लेते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों नाना जी ने समझाया बच्चों को, पहले नाना जी ने एक गमला दिखाया और बच्चों को बताया कि देखो बच्चों ये गमले में फूल लगा हुआ है, ये जो जड़ इसके अंदर है टिट्टी में उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस
स्थान को हम जड़ कहते हैं, जो मिट्टी में दबा हुआ है, और ये जो उसकी इसकी जो टहनियां है इसको हम तना कहते हैं। तो जो कुछ फल जो है तने में होती हैं, कुछ फल जड़ में होती हैं, और जो भी जड़ में हो या तने में हो हम सब उसका यूज़ करते हैं। और दादाजी ने ऐसे समझाया, तो श्याम ने बोला दादाजी यानी हम लोग उसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पेड़ हमें देता है तो बदले में हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यानी लेन देन हम लोग करते हैं। तो दादाजी ने कहा नहीं बेटा, हम लेन देन नहीं करते, ये तो कुदरत का देन है और कुदरत के बनाए चीज़ में हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जाना ये पेड़ के बारे में और इसकी विशेषता क्या है। पेड़ हमेशा हमें लगाना चाहिए, आपका जितना भी जगह हो, कोई भी एक अच्छा काम करे तो एक पौधा आप बड़ा नहीं लगा सकते तो छोटा ही लगाएं, लेकिन जरूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति हमारी जो है, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं है। कारण क्या है? कारण एक ही है, पेड़ काटना। अगर हम पेड़ काटना बंद कर दें, बंद तो कर नहीं सकते लेकिन लगा तो सकते हैं ना। जिस प्रकार काटना आवश्यकता आप समझते हैं, बहुत ही आवश्यक है, काटना ही है तभी तो हमारा मेज कुर्सी या कुछ भी बनेगा, ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आगे बहुत ही खराब वातावरण होने वाला है अगर वृक्ष या पेड़ पौधे नहीं लगाए तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस लेसन में नाना जी ने सभी बच्चों को यही शिक्षा दी कि आप पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, और अपने प्रकृति को, अपने वातावरण को शुद्ध रखिए, और आप भी शुद्ध वायु लीजिए, खुली हवा में आप भी चलिए। क्योंकि बच्चों जब पौधे ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेगा, तो हमें शुद्ध हवा मिलेगा कहाँ से? बिल्डिंग बनना ज़रूरी है पर पेड़ लगना उससे ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा आप अपने अगल बगल में भी, अपने दोस्तों से भी और स्वयं भी इस काम को जरूर करें। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे जानेंगे इसकी विशेषता। तो बच्चों आप सभी एक एक पौधा जरूर लगाइएगा।